पिछले दिनों बिहार में यास चक्रवर्ती तूफान को लेकर के अलर्ट किया गया था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे थे, क्योंकि यास चक्रवर्ती तूफान का जो असर था वो बिहार में भी दिखने लगा था। और जो हालात थे पटना की बात कर रहे हैं हम, जो हालात थे पटना की सड़कों का, आपने देखा किस तरह से पानी जो है पूरा भर गया था, पटना की सड़कें जलमग्न हो गई थी। लेकिन इस वक्त हम भद्र घाट पर हैं और तस्वीरें बेहद ख़ास हैं यहाँ पे जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए भद्र घाट पे ये पीपा पुल है जो सीधे आपको हाजीपुर की तरफ ले जाता है, और यहाँ से कई लोग जो हैं इस पुल के सहारे पटना की ओर आते हैं और हाजीपुर की ओर जाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर जो नदियाँ थी वो उफान पर आई, उसके कारण पीपा पुल को बंद किया गया। देखिए साफ तौर पर लिख दिया गया है पुल बंद है। जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि एक यही एक माध्यम होता है, सहारा होता है, जिससे लोग एक तरफ से दूसरे तरफ आ सकते हैं। लेकिन जब इस पुल को बंद किया गया तो जो लोग हैं जो हर दिन यहाँ से गुजरते हैं उन लोगों में काफ़ी परेशानी है, समस्या है। कितना परेशानी होता है पुल बंद हो जाने के बाद? पुल बंद हो जाने के बाद तो परेशानी लोगों को और बढ़ जाता है। जो पैदल यात्री है, साइकिल यात्री है या मोटरसाइकिल यात्री है, उसको तो आने जाने में दिक्कत बहुत ही होता है। बहुत दिक्कत होता है। हाँ। हमेशा आप लोग का आना जाना लगा रहता है? हमेशा आना जाना लगा ही रहता है। हो जाते हैं कि अभी केला उतार के फिर ये पर लोड किए। अच्छा, ये कब बंद कर दिया जाता है इसके? ये तो 15 दिन अभी समय बाकी है इसका। 15 दिन अभी और बंद रहेगा ये पुल? जी ना, चालू रहता 15 दिन और 15 दिन के बाद खुलता। अच्छा, लेकिन अभी ये ही ढह गया तो बंद तो होना जरूरी है। हाँ। क्या कितना आदमी मरेगा। हाँ। इसलिए तो बंद करना ही जरूरी है अभी, न तो बनाया जाए। बना दिया जाए तो सुविधा में रहेगा, बना दिया जाए तो बहुत सुविधा में रहेगा। हाँ। अच्छा काम कर देगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, गरीब नहीं मरेगा, गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशानी है। कोरोना लेके मर रहा है, झूठ मूठ के कोरोना की परेशानी है कि कोरोना हो गया, कोई भी कुछ भी नहीं तो था ना बिहार में? कहाँ था, इधर दियर में कहाँ था कि सामान बेचने लगा, उसका बंदी था, झूठ मूठ के बंदी कर दिया, पुलिस लोग भूआ बवाले कर रहा है। पुल बंद होने के बाद बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी है। कब बंद हुआ है पुल? बंद तो 4-5 दिन से है। 4-5 दिन से जी। तो देखिए ये पीपा पुल है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जब आप भद्र घाट पहुँचिएगा तो यहाँ पर जो नदियाँ काफ़ी उफान पे थी, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सहारा लेते हैं, जिनका बाइक है वो किसी तरह से बाइक को अंदर लाते हैं और पटना की ओर आना होता है, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं जो कई सामान को लेकर के पटना पहुंचते हैं और यहाँ पर बेचा जाता है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं भद्र घाट पर जब पीपा पुल को बंद किया गया, स्थानीय लोग और जो लोग हमेशा आवागमन करते हैं इस पुल से, उनके लिए काफ़ी परेशानी बन के ये जो पीपा पुल को बंद किया गया वो निकला है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, धन्यवाद। ओ भाई आइए आइए आइए, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे ही पार करते हैं अभी पुल बंद होने के बाद? बहुत दिक्कत होता होगा, सर इतना चले कि आप किसी को